आज हम बनाएंगे ये तिल की कुकीज़। अगर आपने अभी तक ये कुकीज़ ट्राई नहीं की है तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और साथ में इसे हम बिना अंडे के तैयार करेंगे और वो भी अपनी देसी कढ़ाई के अंदर इसे बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये कुकीज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई में डालनी है आधा कप तिल। तो यहाँ जो मैंने तिल यूज़ किए हैं ये देसी तिल है, आप जो व्हाइट वाले तिल होते हैं वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, उनसे कुकीज़ और ज़्यादा सुंदर लगेंगी देखने में। पर मेरे पास यही तिल थे तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया है। अब इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए सेक लेंगे ताकि जो इनके अंदर की नमी है ना वो ख़त्म हो जाए और साथ में ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएँ, जिससे जो हमारी कुकीज़ है ना खाने में और भी ज़्यादा क्रंची लगेंगी। तो बढ़िया से इसको मैंने सेक लिया है और अभी हल्की हल्की इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगी है, साथ में हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा इसको हमें नहीं सेकना है, इसे हम सीधा एक प्लेट पे उतार लेंगे क्योंकि स्टेज पे कढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके अंदर छोड़ दिया तो तेल जो है जल जाएंगे जिससे हमारी कुकीज़ खाने में भी कड़वी लगेंगी। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम कोई भी ऐसी कढ़ाई लेंगे जिसको हम बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेके आते हैं, क्योंकि स्टीमिंग वगैरह करने में या बेकिंग करने में जो भी हम बर्तन यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट नीचे से थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आप बिल्कुल भी कढ़ाई यूज़ में नहीं लेके आते हैं वही आप यूज़ करिएगा। अब इसके अंदर हम इस तरीके से कोई भी एक प्लेट रख देंगे या फिर कोई भी आप कटोरी रख दें या फिर कुकी कटर या फिर स्टैंड रख दें, हमें बस यहाँ पर थोड़ी सी हाइट बनानी है ताकि जब हम कुकीज़ को बेक करें तो वो नीचे से जले नहीं। अब इसे हम ढक कर धीमी आँच पर छोड़ देंगे और अब हम इस तरीके से कोई थाली लेंगे या फिर आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं और अब इसको हम ऑयल या घी के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब कुकीज़ बेक हों तो वो नीचे से जले नहीं। अब इसके ऊपर यहाँ मैं बटर पेपर लगा रही हूँ, आप चाहें तो बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी कुकीज़ की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। अब हम कुकीज़ के लिए डो बनाएंगे। तो उसके लिए एक बोल में हम लेंगे 100 ग्राम बटर। तो बटर को हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है, जितना ज़्यादा सॉफ्ट बटर होगा उतना ही ज़्यादा उसको बीट करने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ मैंने घर का बना हुआ बटर यूज़ किया हुआ है, आप मार्केट का जो बटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस बटर को हम करीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से बीट कर लेंगे। आप इसकी जगह इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे जो ये काम है और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो जितना अच्छे से हम यहाँ बटर को फेंटेंगे हमारी जो कुकीज़ हैं उतनी ही ज़्यादा हल्की और खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो अभी आप देख भी सकते हैं जो ये बटर है बिल्कुल हल्का सा फ्लफी दिखने लगा है, साथ में ही ये इसका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट हो गया है। तो बस इस स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप पाउडर शुगर और शुगर डालने के बाद इसको हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे ताकि जो ये बटर है वो शुगर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं बटर बढ़िया से हमारा पाउडर शुगर के साथ मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा, आप इसकी जगह आटा भी डाल सकते हैं, उससे ये कुकीज़ और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी। साथ में इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून नमक। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने घर का बटर यूज़ किया है तो वो अनसॉल्टेड बटर था, इसलिए यहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करें तो आप इसमें नमक मत डालिएगा, ठीक है। तो नमक डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इससे जो हमारी कुकीज़ हैं वो हल्के सी सॉफ्ट भी होंगी साथ में थोड़ी सी फ्लफी हो जाएंगी। और बेकिंग पाउडर के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप तिल। तो जो तिल हमने सेक के रखे हुए थे उन्हीं तिल में से मैंने 1/4 कप तिल यहाँ यूज़ कर लिए हैं और बाकी के जो तिल है ना वो हम आगे यूज़ करेंगे। और तिल डालने के बाद इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख भी सकते हैं कि जो स्पैचुला है उससे अच्छे से ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो हम हाथों से इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये बैटर है काफ़ी सूखा सूखा है। तो अभी इसे बाइंड करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। तो पहले यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून दूध यूज़ किया है और इसे फिर से हम बाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाना है और इसका एक डो बना लेना है। तो इसको हमें गूंथना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसको हमें इकट्ठा करना है। तो इस डो को तैयार करने के लिए करीबन मैंने 3 टेबलस्पून दूध यूज़ किया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको हमें गूंथना नहीं है, सिर्फ इस मिश्रण को हमें इकट्ठा करना है, इस तरीके से एक डो की फॉर्म में लेकर आना है बस। तो अब इस डो में से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, करीबन नींबू के आकार का इसमें हमें मिश्रण लेना है और इसको हम इस तरीके से रोल करेंगे। रोल करने के बाद हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, जैसे हम पेड़े को प्रेस करते हैं ना, बस इसी तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे। और अब इसको हम इस तरीके से जो हमने तिल बचा के रखे हुए हैं ना उसके अंदर बढ़िया से कोट कर लेंगे। तो ये हमारी सिसमे कुकीज़
बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है देखने में। तो बस इसे हम अपनी ग्रीस की हुई थाली में रखेंगे और इसी तरीके से हम सारे डो की कुकीज़ बनाकर इस तरीके से थाली में रखते जाएंगे। तो जो ये कुकीज़ हैं हमें उनको थोड़ा थोड़ा गैप में रखना है, क्योंकि जब ये बेक होंगी तो अपने ये फूल कर अपने साइज से डबल हो जाएंगी। तो चलिए, मैंने सारे कुकीज़ बना ली हैं। अब इन कुकीज़ को हम सीधा प्री हीटेड कढ़ाई के अंदर रख देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर करीबन 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इन कुकीज़ को बेक होते हुए करीबन 30 मिनट हो गई है, तो इसे चेक कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कुकीज़ की जो नीचे वाली साइड है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर की नज़र आ रही है। इसका मतलब हमारी जो कुकीज़ है ना, वो बहुत अच्छे से अंदर तक सिक चुकी है। पर अभी कुकीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको हमें इसमें से निकाल लेना है और इसको ठंडा होने देना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो हमारी कुकीज़ और भी ज़्यादा खस्ता बनती जाएंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी तिल की कुकीज़ बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में, और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे तोड़ने से ही आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी कुकीज़ है वो कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो उम्मीद रखती हूँ आज की जो ये वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।